गढ़वा से खबर है जहां 5 लाख का इनामी नक्सली समेत 6 गिरफ्तार। छह एमपी का एरिया कमांडर सुरेश उराव के साथ 6 नक्सली अरेस्ट किए गए हैं। गढ़वा सहित सीमावर्ती राज्य छत्तीसगढ़ में पुलिस के लिए थे सरदर्द। जसपुर पुलिस ने किया है गिरफ्तार। आईजी सरजगुजा अंकित गर्ग ने इसकी पुष्टि की है। गढ़वा एसपी दीपक कुमार पांडे भी छत्तीसगढ़ में है मौजूद। अरुण गढ़वा से हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अरुण, 5 लाख के इनामी नक्सली समेत 6 की गिरफ्तारी हुई है, 2 राज्यों की पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की है। जी 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 बिल्कुल, देखिए आपको हम बता दें कि गढ़वा और छत्तीसगढ़ जो सीमा क्षेत्र था वहां पे पुलिस के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। टुनेश उराव जो की जेजेएमपी का एरिया कमांडर बताया जाता है, जो कि वो आपको बता दें, हम आपको गढ़वे जिले में जो एक पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई थी उसका मुख्य आरोपी भी रहा है, जो कि रंका थाना का थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा को गोली भी लगी थी। उसके बाद से देखिए लगातार जो सरकारी हो रहे विकास कार्यों में बाधा बनना, लगातार संवेदक से लेवी वसूलना, लगातार धमकी देना, जनी का कई मामला सही, देखिए अगर हम बात करें टोटल 31 मामला उस पर दर्ज है, जो की सीधे तौर पर हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य के जसपुर, जो जसपुर पुलिस है वो गिरफ्तार कर ली है गुप्त सूचना के आधार पर। साफ तौर पे वहां पे जो कि आईजी सरगुजा जो अंकित गर्ग है उन्होंने पुष्टि किया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि यहाँ पे कुनपुरी एक जगह है छत्तीसगढ़ का, वहां पे एक आदमी के सहयोग से अगर हम कहें तो वो किराए के मकान में वहां पर रहकर और वहां पे नक्सलियों जो 6 नक्सली जो पकड़े गए हैं वो लोग पूरे सीमा क्षेत्र में नक्सली घटना का अंजाम दिया करते थे। अगर हम बात करें वहीं तो झारखंड और छत्तीसगढ़ का सीमा जो लगता है आपका बलरामपुर जो जिला है, बलरामपुर जिला और इधर से झारखंड का जो अंतिम छोर कहा जाए वो आपका सबसे भंडरिया थाना क्षेत्र का बड़गढ़ हो गया, जो की वो कन्हर किनारे है, वो एरिया में बराबर नक्सली घटना का अंजाम में 6 नक्सली दिया करते थे, जो की कहे हम तो गढ़वा पुलिस के लिए सरदर्द ही लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए एक सरदर्द बना हुआ था। ये लोग जो 6 नक्सली पकड़े गए हैं तो साफ तौर पर जैसे ही सूचना मिली वहां पर पकड़े जाने की, वहीं गढ़वा एसपी दीपक कुमार पांडे जसपुर पुलिस के साथ वहां पे अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हुए, वहां पे वहां के पुलिस के साथ तालमेल बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखिए वहां पे किया जा रहा है। और साफ तौर पर अगर हम कहें तो ये पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। जाहिर तौर पर 2 राज्यों की लिए एक बड़ी राहत की खबर है, छत्तीसगढ़ और झारखंड, जहां पर जो सक्रिय नक्सली था उसे गिरफ्तार किया गया। बहुत शुक्रिया आपका अरुण, तमाम बातचीत तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।